फ्रेंड्स, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल पर एक चौथे क्वार्टर के बिजनेस से रिलेटेड अपडेट आ रही है जो कि बहुत ही शानदार दिख रही है और यहाँ पर मुझे स्विंग ट्रेड और इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मौके दिखाई दे रहे हैं और वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, पिछले साल के मुकाबले अगर रेवेन्यू की बात करें तो 40% रेवेन्यू बढ़ी, यानी कि जो पिछले साल 200 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी वो इस साल बढ़कर 280 करोड़ के आसपास अगर जब रिजल्ट आएगा तब आ सकते हैं। और इसके अलावा कोविड बिजनेस को हटा दे तो 21% की फिर भी बढ़त देखने को मिल रही है रेवेन्यू में चौथे क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, ये मुझे आंकड़ा बहुत ही शानदार लगा। अभी तो ये बिजनेस अपडेट है चौथे क्वार्टर की, आगे आने वाले दिनों में यहाँ रिजल्ट कैसे आ सकते हैं उसका हमें यहाँ से ही अंदाज़ा लग सकता है और इसी वजह से मुझे यहाँ मौके दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड, इसके अलावा हॉस्पिटल का ये भी कहना है कि अब तक की किसी एक महीने की हाईएस्ट रेवेन्यू उसने इस बार मार्च महीने में जनरेट किए, यानी कि सबसे जब हिस्ट्री में सबसे अच्छा मार्च महीना और सिंगल मंथ की रेवेन्यू इस बार आई है। तो ये भी एक अचीवमेंट है कंपनी के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, नंबर ऑफ पेशेंट विजिट यानी कि कितने मरीज ने हॉस्पिटल के विजिट करी, तो जो पिछले साल फ्रेंड चौथे क्वार्टर में 24,50,000 विजिटर आए थे उसके सामने इस बार 30% बढ़कर 31,80,000 पेशेंट आए चौथे क्वार्टर में। तो ये पेशेंट 30% की बढ़त देखने को मिली। और इसके अलावा टेस्ट की बात करें चौथे क्वार्टर में तो पिछले साल जो 52 लाख के आसपास टेस्ट हुए थे वो इस बार बढ़कर 65 लाख, यानी कि साल दर साल 24% की टेस्ट में बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, मुझे ये आंकड़े बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहे हैं और ख़ास करके दो, एक तो मंथ हाईएस्ट एवर मंथली रेवेन्यू यानी कि एक महीने का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया और इसके अलावा साल दर साल भी अच्छा, तो यहाँ से रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने की उम्मीद है चौथे क्वार्टर के। और इसी वजह से मुझे लगता है यहाँ पर अगर आपको कोई करेक्शन में मौका मिले तो आप स्विंग ट्रेड या ले सकते हैं और जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको तो इस शेयर में डेफिनेटली निवेश करना ही चाहिए। और यहाँ हो सकता है कि अगले आने वाले 6 महीने में 3,000 रुपये तक के भी लक्ष्य देखने को मिले।